बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। आज की रेसिपी से बच्चे और बड़े दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। आज हम बनाने लगे हैं अपने किचन में मिल्की टॉफ़ी। बहुत मज़े की मिल्की टॉफ़ी बनेगी, बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत जल्द हम टॉफ़ियाँ बना लेंगे। नो प्रिजर्वेटिव, और ये ख़राब भी नहीं होगी। इसको आप टॉफ़ी बना लें, फ्रिज में रख दें और बच्चे शौक से खाएँगे। टॉफ़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो एक कप हमने चीनी ली है, 15-20 बादाम थे इसको हमने दरदरा सा कूट लिया है, आधा टेबल स्पून हमारे पास बटर है और 2 कप फ्रेश दूध है। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में बटर डालते हैं और बादाम रोस्ट कर लेते हैं। आप बादाम की जगह पे पीनट भी आप डाल सकते हैं, कोई और ड्राई फ्रूट भी डालना हो वो भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा रोस्ट कर लें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा टॉफ़ी में। बादाम हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम एक पैन में चीनी डालते हैं। पैन को गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई में हमने इसको चीनी को हमने कैरमलाइज करना है। हल्की आंच पे इसको हम मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि नीचे चिपके ना। चम्मच को हमने मुसलसल हिलाते जाना है। कैरमल होनी शुरू हो गई है, कैरमलाइज होना शुरू हो गई है चीनी। इसको हम उतनी देर तक कैरमलाइज करेंगे ये चीनी का दाना कोई बाकी ना रहे, सब डिज़ोल्व हो जाए। चीनी हमारी कैरमलाइज हो गई है, अब हम इसमें 2 कप दूध डालते हैं। इसमें अब हम आंच थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ पकाते जाएंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाया है, काफ़ी हद तक हमारी तैयार हो गई है। अभी हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। अब हमने एक बर्तन में थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है, 1 कतरा इसमें डाल के चेक करेंगे कि हमारी टॉफ़ी रेडी हुई है कि नहीं। टॉफ़ी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने जो रोस्ट करके बादाम रखे हुए थे ये डाल देते हैं। फ्लेम हमने बंद कर दी है, बस अब हमने इसको एक सांचे में डालना है। हमने एक स्क्वायर बोल में बटर पेपर लगा के रखा हुआ है, इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं और इसको ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। जब ठंडा होगा फिर हम इसको टॉफ़ी की शेप देंगे। रूम टेम्परेचर तक आ जाएगी तो फिर हम ये टॉफ़ी का मिक्सचर जो है ना, हम इसको फ्रिज में रखेंगे। जब ठंडा होगा फिर हम इसको टॉफ़ी की शेप देंगे। आधा घंटा हमने फ्रिज में रखा है, टॉफ़ी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसको सांचे में से निकाल के इसका बटर पेपर उतार लेते हैं और इसको टॉफ़ी की शेप दे लेते हैं। इस तरह हम निशान लगा के, मेरे से थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया है, फ्रिज में रख के ज़्यादा टाइम लग गया तो ये थोड़ा सा सख्त हो गया है। आपने ना जब बनानी है तो आपने बटर पेपर नहीं नीचे लगाना। बटर पेपर को भी उतारते वक्त मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, बड़ी मुश्किल से बटर पेपर उतरा है। इसकी हम टॉफीज बनाते हैं। अब हमने तेज़ छुरी ली है
तेज छुरी के साथ हम इसको ऐसे निशान लगा लेंगे तो सबको हम ऐसे शेप दे लेंगे टॉफ़ी की। अब हम इनको टॉफियों को रैप कर लेते हैं। ये हमने बटर पेपर लिया, इसको ऐसे बनाएंगे इसके ऊपर रख के। ये देखें जी हमारी टॉफ़ी तैयार है। कुछ हम बटर पेपर पे लगाएंगे, कुछ ये एल्युमिनियम फॉइल में हम कुछ लपेट लेते हैं। ये हमारी टॉफ़ी तैयार है। ये कुछ कार्बन पेपर है, कार्बन पेपर नहीं बटर पेपर है। कुछ बटर पेपर में हम टॉफ़ी बनाएंगे, कुछ एल्युमिनियम फॉयल में। ये देखें जी कितनी मज़े की टॉफियां लग रही हैं। बच्चे तो खुश हो जाएंगे, आज बच्चों की फेवरेट टॉफ़ी बन रही है। तमाम टॉफियों को हमने रैप कर लिए, किसी पे हमने एल्युमिनियम फॉइल लगाई है और किसी पे हमने बटर पेपर लगाया। बच्चे तो आज यकीनन खुश हो जाएंगे आज की रेसिपी देख के। जी हमारी मिल्क कैरामल टॉफ़ी तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुकिंग विद निगत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ जल्द मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।